बता रहा हूँ, मैं हूँ कबीर, लाइफ का फंडा टेक इट इजी, कभी है मस्ती कभी है पोर, लाइफ कभी आउट ऑफ कंट्रोल, टेंशन टेंशन क्यों लेनी, लाइफ का फंडा टेक इट इजी, 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 लाइफ का फंडा टेक इट इजी। तारा, वो तुम्हारे घर के पास जो मनोज रहता है उसको क्या हुआ था? कल काफी उल्टियाँ कर रहा था। उसको नशे की लत है, कल उसको मम्मी ने नशा नहीं करने दिया इसलिए उल्टियाँ कर रहा था। ये क्या कह रही हो, नशा नहीं करने देने से? हाँ कबीर, जब कोई ज्यादा समय से नशा कर रहा होता है और फिर उसको नशा न मिले तो फिर उन लोगों को इस तरह की परेशानी होती है, जैसे उल्टी होती है, सर घूमने लगता है, घबराहट होने लगती है, इसको विड्रॉल सिंड्रोम कहते हैं। मतलब यदि कोई छोड़ना चाहे तो भी छोड़ ना पाए? छोड़ने से पहले तो पकड़ना आता है कबीर, इस नशे की बर्बादी को पकड़ना ही क्यों? हाँ ये बात तो ठीक है, पर इसके पीछे कोई वजह रही होगी ना? उसके मम्मी पापा के बीच पहले काफी झगड़े होते थे, उस वक्त मनोज गुमसुम रहता था, तभी उसकी दोस्ती नशा करने वाले कुछ लड़कों से हो गई। बस उसने अपनी परेशानी और अकेलेपन से लड़ने का रास्ता नशे में ढूंढ लिया, बिना ये समझे कि नशा उसको और अकेला बना देगा। और मैंने सुना है कि जो एक बार इस नशे की लत में पड़ गया ना, उसके लिए इसे छोड़ना बहुत मुश्किल है। छोड़ने के लिए सबसे पहले तो जो नशा करता है उसको ये एहसास होना जरूरी है कि जो वो कर रहा है वो गलत है, और वह इस लत से बाहर आना चाहता है, क्योंकि एडिक्शन भी अलग अलग हो सकता है, जैसे मानसिक और शारीरिक, और कभी कभी दोनों भी हो सकते हैं। यार तुम्हें तो काफी कुछ पता है। हाँ कबीर, मनोज के इलाज के लिए उसके मम्मी पापा और मेरे मम्मी पापा बात करते रहते हैं, बस उन्हीं से सुन सुन कर पता चल गया है। मनोज का कहीं इलाज भी चल रहा है क्या? हाँ, नशा छुड़वाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, साथ ही एक नेशनल टोल फ्री ड्रग डी एडिक्शन हेल्पलाइन नंबर भी है 1800110031, जिस पर कॉल करके सहायता प्राप्त की जा सकती है। मनोज का भी एक नशा मुक्ति केंद्र से इलाज चल रहा है, वो खुद भी छोड़ना चाहता है लेकिन नशा न मिलने पर होने वाली बेचैनी को सहन नहीं कर पाता और फिर से नशा कर लेता है, इसी वजह से इस बार उसको कुछ समय तक वही नशा मुक्ति केंद्र में रहना होगा। ओह, पर इसे छोड़ने का कोई ऐसा भी तरीका है जिसे हम खुद ही अपनाकर इस बुरी लत से बाहर आ सकें? हाँ, कुछ कुछ चीजें हैं जिनको करने से काफी हद तक खुद की मदद की जा सकती है, जैसे अपने नशे की आदत के बारे में किसी विश्वसनीय व्यक्ति को बताना ताकि सही सहायता मिल सके, या खुद को किसी न किसी व्यक्ति के प्रति जिम्मेदार महसूस करना और ये खुद को बार बार याद दिलाना कि कैसे वह नशे को छोड़कर अपने परिवार और खुद की खुशी को चुन रहे हैं, खुद को किसी व्यायाम या शारीरिक गतिविधि से जोड़ना, कोई नई आदत जैसे संगीत सीखना या कुछ बजाना, नशे की सामग्री को फेंक देना जिस वजह से नशे करने की ओर जा रहे हो, उस वजह को दूर करने की कोशिश करना, और फिर हेल्पलाइन नंबर 1800110031 तो है ही। तारा, मुझे लगता है हमें अपनी कक्षा में भी इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि जिसे कुछ बच्चे रोमांच समझ रहे हैं वो तो असल में गहरी खाई है, और इस खाई में गिरने से हमें अपने साथियों को सावधान करना होगा। हाँ कबीर, हम अपने टीचर से बात करके इस बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी खुद को सुरक्षित रखें, क्योंकि लाइफ का फंडा टेक इट इजी। क्विज टाइम। अब आपको सुनाई देगा एक सवाल, जिसका सही जवाब देने पर आपको मिल सकता है एक सरप्राइज इनाम। मनोज को नशे से लत ना छोड़ने पे उल्टी आने का क्या कारण था? ऑप्शन 1, फूड पॉइजनिंग। ऑप्शन 2, खराब टेस्ट। ऑप्शन 3, विड्रॉवल सिंड्रोम। सही जवाब देने के लिए प्रेस कीजिए 3 और अपना जवाब अपनी आवाज में दर्ज कीजिए।
साथ ही में हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। टेक इट इजी सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे। तब तक के लिए याद रखें, लाइफ का फंडा टेक इट इजी।